डिपार्टमेंट है, मरवा देंगे सर मुझको, मुझे पूरा विश्वास है मरवाएंगे मुझको, मेरे खतरा है सर, मुझे कुछ भी कर सकते हैं, जब इतना कर दिया अब तक तो मैंने सुना था डिपार्टमेंट पर हाथ नहीं उठाता कोई, इन्होंने इतना कर दिया तो आगे भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, सच्चा सैनिक यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से एक सेना के जवान के साथ उसके बड़े अधिकारियों द्वारा दोस्तों दुर्व्यवहार किया गया, उसको प्रताड़ित किया गया है। ये वीडियो मैं आपको बता दूँ कि इतना प्रताड़ित करने के बाद कि जवान को खुदकुशी करने तक की नौबत आ गई। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खबर मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो जवान इस देश की रक्षा करते हैं दोस्तों, अपनी जान हथेली पर रखकर इस देश के रक्षा करने के लिए सेना में जाते हैं, उस जवान के साथ उसके बड़े अधिकारी इस तरह से करते हैं दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है। जी हाँ दोस्तों, अगर इस तरह की कोई भी वीडियो वायरल होना अपने आप में भारत की सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल पैदा करता। दोस्तों उस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखा दूं, आप देख सकते हैं। वो चला, मैं मरूंगा सर, बस डिसाइड कर लिया, मैं मर जाऊं, मैं जिसमें नहीं कराऊंगा, नहीं न्याय मिलेगा, मैं मरूंगा बस, उससे मतलब नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और अब इस वीडियो को मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जवान द्वारा ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस तरह उसको पीटा गया है। जी हाँ दोस्तों, और क्या इस तरह जवान को पीटा जाना सही है? क्या दोस्तों जवान ने अगर कोई गलती की है तो उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि इस तरह का व्यवहार होना चाहिए उसके बड़े अधिकारियों द्वारा? जी हाँ दोस्तों, और न जाने कितने जो हमारे यंग एज के लड़के दोस्तों, जो सेना में जाने का उनका सपना है दोस्तों, वो अगर उनको ये वीडियो दिखेगी तो उन पर कितना गहरा असर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जो इस देश के युवा हैं, सेना में आना चाहते हैं, इस देश की रक्षा करना चाहते दोस्तों, अगर उनको ये वीडियो दिखेगी तो कितना गहरा असर पड़ेगा आप सोच सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि इन जवानों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है अधिकारियों के द्वारा, वो बस उस यूनिट तक है जहां इनकी पोस्टिंग है वहीं तक सीमित रह जाता है। तकरीबन 100 में से दोस्तों 2 या 3 ऐसे सैनिक होते हैं दोस्तों, ऐसे जवान होते हैं जिनकी वीडियो वायरल होती है, और वो अपनी जो उनके साथ हुआ है वो सबको पता चलता है और उनको इंसाफ मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तो उन्हीं में से एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। वो चला, मैं मरूंगा सर, बस डिसाइड कर लिया, मैं मर जाऊं, मैं जजमेंट नहीं कराऊंगा, नहीं न्याय मिलेगा, मैं मरूंगा बस, उससे मतलब नहीं है। छोड़ा नहीं सर, इसी के लिए बुलाया था, मैं रिपोर्ट की दरबार में उसका बदला ले रहे हैं लोग। हाँ, बैक डेट में इसका रिकॉर्ड बनाओ, बैक डेट में बोल रहे हैं, बैक डेट में रिकॉर्ड बनाओ, हाँ बैक डेट में बोले रिकॉर्ड बना के इसको साइन कराओ। इन्होंने इतना कर दिया है, अब इतना हो गया तो बस थोड़ा मारेंगे। अरे सर, पूरा मन मर्जी इनकी चलती है, पूरा मन मर्जी, जब चाहे तब बैकअप लगा दे, जब चाहे तब किसी को बुला ले, पैसे पे ड्यूटी के दे के फिर सुबह बुलाया, जब मर्जी शाम को बुला लिया, ठीक है करनी, मैं मना किया, जब बुलाया तब गया, मुझे क्या पता कि मार देंगे, जब बुला रहे मैं जा रहा हूँ, अब पीस लेंगे मुझको। वो तो सब गवाह है, अब गवाह सर, गवाह जितने थे सबने मिलके, कौन फौजी खिलाफ कोई गवाह दिया है सर, बताओ हैं, किसको नौकरी अपने खराब करवानी है, आपके खिलाफ गवाह देखे, मैंने रिपोर्ट की थी, तो इतना बड़ा बंगवाल हो गया कि मुझे पीट दिया, रिपोर्ट करने पे जो होगी, मैंने न्याय की मांग की सर, रेस्ट दे दिया जाए मुझको, तो मुझको पीट दिया गया है, और जो मेरे खिलाफ अगर सपोर्ट में आएगा तो फिर उसका क्या करेंगे ये लोग। मत आए सपोर्ट में, मत आए, कोई नहीं, ना मैं डिपार्टमेंट नहीं, मरवा देंगे सर मुझको, मुझे पूरा विश्वास है मरवाएंगे मुझको, मेरे खतरा है सर, मुझे कुछ भी कर सकते हैं, जब इतना कर दिया अब तक तो मैंने सुना था डिपार्टमेंट पर हाथ नहीं उठाता कोई, इन्होंने इतना कर दिया तो आगे भी कर सकते हैं। भागा, मैं खुद भागा हूँ सर, चेक कर लो, कैमरा चेक करो, भागा हूँ ऐसे ना, भागते तो मेरे को और मार देते, फिर मार के फिर तो ऐसे मार मर्जी का ट्रीटमेंट करवाते, मोबाइल को तक फोड़ दी मेरी। तो बाहर जहाँ मारा है तेरे को, वहाँ तो कैमरा होगा, होगा कैमरा सर, वहाँ कैमरा चेक करो, वहाँ सारे कैमरे चेक करो, जहाँ मारा है सर कैमरा चेक किया जाए। हेलो भाई,
कि किस प्रकार से आपने देखा दोस्तों एक जो जवान है उसको बड़े अधिकारियों के द्वारा दोस्तों प्रताड़ित किया गया है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कहां तक ये सही है और दोस्तों क्या कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी अगर इन्होंने गलती की थी तो? तो दोस्तों इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं ताकि सरकार तक ये आवाज़ पहुंच जाए। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दबा के शेयर कीजिएगा ताकि इस देश का सच्चा सैनिक इस तरह से उसकी आवाज़ को ना दबाया जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।